देखिए आप, ये इतना छोटा बच्चा है, एकदम छोटा। इस छोटे से बच्चे का होली के दिन एग्जाम है, बताओ दीशु। होली के दिन एग्जाम कौन रखता है? बेस्ट है प्लीज एजुकेशन जो सिस्टम है उससे, कि फेस्टिवल के दिन छोटे छोटे बच्चों को जो कि जस्ट अभी ग्रो हो रहे हैं, उनको अभी सब चीज़ें देखनी है, उनको मीनिंग पता होना चाहिए फेस्टिवल्स का, फिर ये कैसे समझ पाएंगे कि फेस्टिवल क्या होता है। तो प्लीज़ फेस्टिवल जो, और वो भी ऐसे मेजर फेस्टिवल्स होते हैं अपने इंडियंस के, जैसे होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन, हाँ, तो प्लीज़ उन टाइम पर इनके एग्जाम ना रखा कर, इनको एंजॉय करने दे प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली। आई एम हर्षिका एंड आई एम हियर बैक एंड होप यू ऑल आर डूइंग सो ग्रेट। तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आप सबको पता है आज 6 मार्च है और आज होली है, लेकिन आज बहुत ही प्रॉब्लम है क्योंकि आज मेरे बेटू का बर्थडे क्या मेरे बेटू का आज एग्जाम है। तो हम फटाफट दिशु को मिला के ला दिया, हाँ, तो दिशु जस्ट उठे हैं और दिशु ने ब्रश किया। अब हम दिशु को फटाफट से मिला कर लाते हैं, उसके बाद हम आपको आगे, क्योंकि मतलब होली के दिन कोई एग्जाम कैसे रखता है दिशु। तो यहाँ पे दिशु नहाकर आ चुके हैं, हम कर रहे हैं दिशु को फटाफट से रेडी। दिशु हैप्पी होली बोलो। हैप्पी होली। हैप्पी होली। तो यहाँ पे हमारा दिशु बेबी रेडी हो चुका है। दिशु हाय करो। दिशु रेडी हो चुका है, आज भी बच्चे का एग्जाम है, बच्चे को मतलब स्कूल जाना है। हमको याद है पहले हमारा बचपन में, हमारे जब दिवाली या होली की छुट्टी होती थी, हम कितने एक्साइटेड होते थे कि फेस्टिवल है, पूरा दिन मम्मी के साथ शोर शराबा ढोल बजते थे। अब तो वो वाइब ही खत्म हो गई है ना, तो यहाँ पे ढोल बज रहा है कि कोई मतलब होली वाला त्यौहार वाला वाइब हो, और बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे। देखिए आप, ये इतना छोटा बच्चा है, एकदम छोटा। इस छोटे से बच्चे का होली के दिन एग्जाम है, बताओ दिशु, होली के दिन एग्जाम कौन रखता है? तो आप देख सकते हैं ये बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, चाहे ये 2 घंटे के लिए जा रहा है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है इसका एग्जाम, 2 आवर्स के लिए जा रहा है, लेकिन फिर भी एग्जाम तो एग्जाम होता है। मतलब आज के दिन आराम से घूमे फिरे, पेंटिंग्स करे, खेले, बच्चा टीवी देखे, ऐसा नहीं है। आज के दिन एकदम टिप टॉप हेड टू टू रेडी होकर और इनको एग्जाम देने जाना है, और ये आएगा वापस अपने टाइम पे, 1 o'clock तक आएंगे। तो देखते तब तक हम हमारा नॉर्मल डेली रूटीन का जो भी काम होगा वो काम करेंगे। वाली जो क्लिप है जरूर डालूंगी, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा, मुझे ये कहना है सब लोगों, इस छोटे छोटे बच्चों के और किसी के भी, मतलब मैं मानती हूँ बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं तो वो तो होते ही होंगे, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चों के एग्जाम्स ना रखा करें इन बच्चों को। वैसे भी आजकल के बच्चे इतना मोबाइल और इन सब में इतना घुस गए कि उनको फेस्टिवल्स का ना एक्साइटमेंट खत्म हो गया, उनको फेस्टिवल्स की मीनिंग नहीं पता, ऊपर से आप इन पे इतना प्रेशर, मतलब आज के दिन भी एग्जाम है, इनको स्कूल बुलाकर, मतलब इनका एकदम एक्साइट, इनको ये कैसे पता पड़ेगा कि फेस्टिवल क्या होता है? घर पर रहेंगे तो एटलीस्ट ये एंजॉय कर सके, इनको लगे, मतलब मेरा ये रिक्वेस्ट है प्लीज़ एजुकेशन जो सिस्टम है उससे, कि फेस्टिवल के दिन छोटे छोटे बच्चों को जो भी जस्ट अभी ग्रो हो रहे हैं, उनको अभी सब चीज़ें देखनी है, उनको मीनिंग पता होना चाहिए फेस्टिवल्स का, फिर ये कैसे समझ पाएंगे कि फेस्टिवल क्या होता है। तो प्लीज़ फेस्टिवल जो, और वो भी ऐसे मेजर फेस्टिवल्स होते हैं अपने इंडियंस के, जैसे होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन, हाँ, तो प्लीज़ उन टाइम पर इनके एग्जाम ना रखा कर, इनको एंजॉय करने दे प्लीज़। वैसे तो इसके स्कूल में अलाउड नहीं है कि आप कुछ बिस्किट्स या ऐसा जो भी आइटम होता है अपने, कुरकुरे चिप्स, वो अलाउड नहीं है नॉर्मली कि आप लेके जा सकते हो, लेकिन जैसे आज फेस्टिवल है और एग्जाम है और ओनली 2 आवर्स के लिए इसको स्कूल जाना है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा कुछ डाल दिया जिससे इसको भी लगे कि स्कूल में कि मिठाई अलाउड है, बिस्किट अलाउड है। अच्छा, मिठाई मैगी पास्ता, अच्छा मैगी पास्ता अलाउड, हाँ आजकल स्कूल में मैगी पास्ता अलाउड नहीं होता, ये अच्छा भी है। अगर बच्चा घर पे नहीं खा रहा है तो अगर अपन परांठा या कुछ भी उसको ऐसे अच्छा वेजिटेबल्स टाइप कुछ बना के देते हैं तो बच्चा एटलीस्ट स्कूल में टीचर की डर से या कैसे भी
खाना सीखता है, अगर वहाँ पे भी उनको मैगी पास्ता ये सब देने लग जाएंगे तो फिर बच्चे वैसे भी मतलब ये तो बहुत ही अंडरवेट है। और नॉर्मली बच्चे आजकल नॉर्मली हर सेकंड घर में सेकंड मदर की बोलती कंप्लेन करती है कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, मेरा बच्चा अंडरवेट है, इसको खाने में इसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, जैसे अभी भी मैं इसके पीछे पीछे भाग रही हूँ। तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब देख कर कि बच्चे नहीं खाते, इसलिए तो ये मुझे स्कूल की चीज़ अच्छी लगती है इसको सिस्टम का। लेकिन सब स्कूल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मतलब इसके स्कूल में ये सिस्टम है कि जैसे आप सॉस नहीं डाल सकते, अचार नहीं डाल सकते, और ब्रेड ज़्यादा अलाउड नहीं है, मैगी पास्ता ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, परांठा डालो, अच्छा उपमा डालो, दाल चावल डालो, खिचड़ी डालो, ऐसा सब चीज़ें इसके बहुत अच्छे से अलाउड है। और इस बार ने डिशू खाने भी लगा, काफ़ी चीज़ें इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है कि स्कूल में जाता है तो खाने लगा है अभी। अब आज मेरे बहुत बहुत सारे प्लान्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रूट्स लाए पड़े हैं, इनसे मुझे आज कस्टर्ड बनाना है। सेकेंडरी ये मेरा पुराना किराने का सामान आया हुआ पड़ा है, मैं लेकर आई थी, तो इस पूरे बॉक्स को मुझे सामान को अच्छे से जगह जगह पर जमा, इसका जो सामान है। और कल मैंने अपने भगवान की अलमारी बहुत सुंदर सी जमाई, मैं आपको दिखाती हूँ। सी ये मेरे पास एक पुराना कैलेंडर था तो उसको मैंने यहाँ लगाया, जिससे मुझे एकदम वो वाली वाइब आए कि हाँ भगवान वाली वाइब लाने के लिए मैंने इन कैलेंडर को यहाँ लगाया है माता जी के। देन ये मेरे छोटे से लड्डू को, और इनकी तरफ से आपको बहुत 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 होली की शुभकामनाएं। और ये मेरे भगवान जी है, तो मैंने यहाँ पर छोटी सी विंचन लगा रखी है, बैल लगा रखी है, तो ये हमारा मंदिर है। दुर्गा की सेवा हम करते हैं, मतलब अच्छे से जैसे अपने बच्चे को रखते वैसे नहलाना धुलाना, खाना खिलाना सुलाना सब कुछ हम इनका वैसे करते। कुछ भी स्पेशल फ्रूट आता है या कुछ स्पेशल बनता है या कुछ भी चॉकलेट्स भी आती है, मतलब कुछ भी अगर है, और जैसे खाना तो सुबह शाम का इनको हम इनको जिमाते ही है, लेकिन वैसे अगर कुछ भी स्पेशल भी कुछ होता है ना तो हम पहले लड्डू गोपाल को चढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुबह सुबह कितना हेक्टिक होता है, सभी चीकू चला जाएगा, उसके बाद मैं अपने डेली रूटीन के काम पे लगूंगी, रेडी होंगी बाद में थोड़ा सा, पहले मैं अपना काम वाम कर लूँ, थोड़ा निपटा लूँ काम, क्योंकि घर सुबह सुबह इतना गंदा हो जाता है ना, बहुत ही गंदा घर होता है इसलिए। और जैसे आप लोग अगर ये ब्लॉग देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि कुछ भी डाल देती है कुछ भी, क्योंकि देखो एक्चुअली ये कि मैं न्यू हूँ और मुझे ब्लॉग्स डालना और ये सब करना नहीं आता, लेकिन मैंने देखा कि लोग कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे की लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो मैं भी ऐसा सब कुछ डालने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई दिस चैनल, ये जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, क्योंकि मैं भी एक उस लेवल तक पहुंचना चाहती हूँ। मेरी भी इच्छा है कि मेरे भी इतने मतलब के में आई में फॉलोवर्स हो, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है मुझे पता है, लेकिन आप लोग अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को डिसलाइक ना करें या ऐसे देख कर कि ये तो कुछ भी बना रही है ऐसा ना करें। मैं बहुत मुझे क्योंकि मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, मतलब हम घर में सिर्फ 3 जन हैं, कुछ होता नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ न्यू या इंटरेस्टिंग लेकर आ पाऊँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, और अगर आप मेरी वीडियोस पे पहली बार आए हैं या मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय दिस चैनल। चिपो और जल्दी गाना आने वाली है।